हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, दोस्तों, हम नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और नोट्स है मुंडा शासन व्यवस्था। छात्रगण, मैं इसके पहले बताया था शासन व्यवस्था क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है जनजातियों के क्रियाकलाप में। मैंने यही बताया था कि मुंडा शासन व्यवस्था के तहत कौन कौन सी प्रशासनिक इकाई है। मैंने बताया था कि मुंडा परिवार जो एक वंश से होते हैं उसे खूट बोलते हैं, और जब एक परिवार के द्वारा, एक खूट के द्वारा भूमि तैयार की जाती है तो उसे खुटकुट्टी कहते हैं, और जब उस परिवार का उस खुटकुट्टी भूमि पर अधिकार होता है तो उसे खुटकुट्टीदार कहते हैं, और जब ये गांव बड़ा हो जाता है, जब ये परिवार बड़ा हो जाता है तो गांव का रूप लेता है। देखा जाए तो वास्तविक रूप से मुंडाओं की शासन व्यवस्था इसी गांव से ही प्रारंभ होती है। उस गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, और मुंडा की सहायता हेतु पाहन और महतो होते हैं। देखा जाए तो मुंडा उस गांव के सारे क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जो उसके हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, जिसे मुंडा कहते हैं। मुंडा की सहायता है तो पाहन और महतो होते हैं। पाहन यद्यपि धार्मिक क्रियाकलापों का प्रधान होता है, यद्यपि ये पाहन मुंडा के अवशेष में सारे क्रियाकलाप पाहन के द्वारा ही संचालित किया जाता है, और ये पाहन वास्तविक रूप से धार्मिक पुजारी होते हैं। ऐसे में उसे समय समय पर जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है पाहन को, उसे उस पाहन के भूमि को जो लगान मुक्त होती है उसे डाली कटारी कहते हैं, और जब इन पाहन के द्वारा भूत प्रेत आत्मा बुरी आत्मा से बचाने के लिए जो पूजा की जाती है, और उस पूजा के उपलक्ष्य में जो भूमि मिलती है उसे भूतखेता के नाम से पुकारी जाती है। यद्यपि महतो और पैनभरा इत्यादि भी पाहन की सहायता करते हैं, लेकिन इनमें से जो महत्व होता है वो गांवों में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। और मुंडा की शासन व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी इकाई, सर्वोच्च इकाई कार्यपालिका के विधायिका के न्यायपालिका के अगर कोई है तो वो पढ़ा है, जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा बनती है, जिसके प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं, और ये पढ़ा राजा कुछ प्रमुख अधिकारियों जैसे बरकतगंज, लाल, दीवान, पांडे इत्यादि की सहायता से अपना कार्य करता है। जो मैटर या जो विषय गांव के मुंडा के द्वारा उसका निराकरण नहीं हो पाता उसको पढ़ा राजा के पास भेज दी जाती है। यहां ये अंतिम न्यायालय होता है, चाहे किसी भी मैटर पर हो। यद्यपि मुंडाओं में कहीं कहीं राज नामक तीसरी सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई भी दिखाई पड़ती है, जिसके प्रधान को राजा कहते हैं, जो 22 पढ़ा को मिलाकर एक राज बनता है। छात्रगण, इसी शासन व्यवस्था की तरह ही नागवंशियों को, नागवंशी की पढ़ा की और अन्य प्रशासनिक इकाई संचालित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होती है। छात्रगण, हम उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जो आप नोट्स पिछले क्लास, तो आप नोट्स शुरुआत कीजिए, नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नोट्स प्रारंभ कीजिए और लिखिए नोट्स में, उसी नोट्स में मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत हम नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले क्लास में हम आपको लिखवा चुके थे। मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत खूंट से माना जा सकता है, जिसका अर्थ है खूंट से माना जा सकता है
जिसका अर्थ है एक परिवार, वन फैमिली, जिसका अर्थ है एक परिवार, उसी में मुंडा परिवार के द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु, मुंडा परिवार के द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु बनाए गए खेत को खूंट कट्टी कहते हैं। मुंडा परिवार द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु बनाए गए खेत को खूंट कट्टी कहते हैं, और जिस खूंट को खुटकट्टी पर अधिकार होता है उसे खुटकट्टीदार कहते हैं। नेक्स्ट, जब खूंट का आकार बढ़ता गया तब वह गांव का रूप ले लिया। गांव का रूप ले लिया जिसे मुंडा शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। यद्यपि उनकी प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था खुटकुट्टीदार व्यवस्था थी। यद्यपि उनकी प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था खुटकुट्टीदार व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, जो मुंडा गांव पंचायत का प्रमुख होता है, जो मुंडा गांव पंचायत का प्रमुख होता है
प्रमुख होता है। पंचायत को हातू, पंचायत को हातू, पंचायत को हातू के नाम से जाना जाता है, या ग्राम पंचायत के या गांव के पंचायत को हातू के नाम से, हातू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा का पद वंशानुगत होता है। मुंडा का पद वंशानुगत होता है, जो गांव की विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर, जो गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखता है, बनाए रखता है, तथा गांव की शासन व्यवस्था में मुंडा का पद वंशानुगत होता है, जो गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखता है और गांव की शासन व्यवस्था में और गांव की शासन व्यवस्था में मुंडा की केंद्रीय भूमिका, सेंट्रल रोल, मुंडा की केंद्रीय भूमिका होती है, जिसकी सहायता हेतु, जिसकी सहायता हेतु, सहायता हेतु पाहन, जिसकी सहायता हेतु पाहन और महतो, पाहन और महतो जिसकी सहायता हेतु पाहन और महतो होता है, पाहन और महतो होता है, पाहन और महतो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन ही, मुंडा की गैर मौजूदगी में, उसके एब्सेंस में, मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन ही गांव के सारे कामों को संभालता है। मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन ही गांव के सारे कामों को संभालता है, मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन ही गांव के सारे कामों को संभालता है, जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान भी है, जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान भी है, प्रधान भी है, यद्यपि पाहन के सहायक जो होते हैं, यद्यपि पाहन के सहायक को, उसके हेल्पर को, यद्यपि पाहन के सहायक को पुजार, यद्यपि पाहन के सहायक को पुजार, पनभरा और महतो, यद्यपि पाहन के सहायक को या पाहन की सहायता हेतु पुजार, पनभरा और महतो होते हैं, यद्यपि पाहन की सहायक को या पाहन की सहायता हेतु, यद्यपि पाहन की सहायता हेतु पुजार, पनभरा और महतो होते हैं, महतो होते हैं। इनमें से महतो का मुख्य कार्य, इनमें से महतो, इनमें से महतो का
मुख्य कार्य गांव, इनमें से महत्वों का मुख्य कार्य गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इनमें से यद्यपि या इनमें से पहान का मुख्य कार्य गांव की सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पाहन जो गांव का धार्मिक प्रधान है, पाहन जो गांव का धार्मिक प्रधान है, पाहन जो गांव का धार्मिक प्रधान है, प्रधान है, इसको वह भूमि इसको वह भूमि जो लगान मुक्त होती है, इसको वह भूमि जो लगान मुक्त वाली दी जाती है, इसको वह भूमि जो लगान मुक्त वाली दी जाती है, उसे उसे डाली कटारी, उसे डाली कटारी कहते हैं। जबकि पाहन को भूत प्रेत आत्मा, जबकि पाहन को भूत प्रेत आत्मा आत्मा को पूजा के माध्यम से भगाने के उपलक्ष्य में जो भूमि दी जाती है, उसे भूतखेता के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति की दूसरी सबसे बड़ी शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति की दूसरी और सर्वोच्च सबसे बड़ी शासन व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था कहलाती है जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर बनती है जिसके प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। यह एक अनुवांशिकी पद है कहीं कहीं पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा एक प्रकार से अंतर ग्रामीण, मतलब इंटर, मतलब बहुत सारे ग्रामीणों को जोड़कर पढ़ा एक प्रकार से अंतर ग्रामीण पंचायत है। अंतर ग्रामीण पंचायत है जिसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च, पढ़ा एक प्रकार से यह अंतर ग्रामीण, मतलब बहुत ग्रामीणों को जोड़कर अंतर ग्रामीण पंचायत है जिसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका कहते हैं, तथा विधायिका कहते हैं। कहते हैं और पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा, और पढ़ा पंचायत स्थल को, जहां पंचायत होती है, और पढ़ा पंचायत के स्थल को अखड़ा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अखड़ा कहते हैं। जिसे मुंडा गांव की सांस्कृतिक केंद्र की, जिसे मुंडा गांव की, जिसे मुंडा गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा भी दी जाती है, जिसे मुंडा गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ा का भी अपना एक अलग पंचायत होता है, पढ़ा का भी अपना एक अलग पंचायत होता है। होता है, होता है, उसी में पढ़ा राजा की सहायता हेतु, पढ़ा राजा की सहायता हेतु, पढ़ा राजा की सहायता हेतु ठाकुर दीवान पांडे दरोगा बराकदंज, बराकदंज लाल इत्यादि प्रमुख अधिकारी होते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इत्यादि, लाल इत्यादि प्रमुख अधिकारी होते हैं। होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख अधिकारियों में से, प्रमुख अधिकारियों में से ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, कमा दीजिए, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, पांडे दस्तावेजों को, पांडे दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, पांडे दस्तावेजों को रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है, पांडे दस्तावेजों को रख रखाव करने वाला अधिकारी, अधिकारी बराकदंज, बराक बराक दंज, बराकदंज पढ़ा राजा का सिपाही, सिपाही दरोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक, दरोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक,
जबकि लाल नामक अधिकारी पढ़ा राजा के सभी सभा का जबकि लाल नामक अधिकारी पढ़ा राजा के सभा का वकील होता है। वकील होता है। वकील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत, नेक्स्ट पॉइंट में है, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहीं कहीं मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत कहीं कहीं पढ़ा से भी एक बड़ी प्रशासनिक इकाई राज देखने को मिलता है, जो लगभग 22 पढ़ा से जो लगभग 22 पढ़ा से मिलाकर या मिलकर बनता है, जिसके प्रधान को राजा कहते हैं, राजा प्रधान को राजा कहते हैं। और लास्ट लिखिए, सामान्य रूप से परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। छात्रगण, तो मैं समझता हूं कि आप मुंडा शासन व्यवस्था कैसी है, कौन सी प्रशासनिक इकाई कौन से स्तर पर काम करती है, किसका कौन प्रमुख होता है, किसकी कौन सा अधिकारी किसकी सहायता करते हैं, कौन अधिकारी का कौन कौन सा काम है, ये सारी बातें आपने मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत समझ लिया है। मैं समझता हूं अगर मुंडा शासन व्यवस्था से प्रश्न अगर आएगा तो मैं समझता हूं 110% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। छात्रगण, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था। छात्रगण, आप ये जान लें कि नागवंशियों का शासन मुंडा शासन व्यवस्था के तहत ही संचालित हुआ, अर्थात नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को रखते हुए भले ही उसका और विस्तार किया, लेकिन नागवंशियों की शासन व्यवस्था एकदम टू द कॉपी मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही चलता रहा, भले ही उसका और विस्तार कर दिया। यद्यपि बाद में मुगलों के आक्रमण के कारण इसकी शासन व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि अब उन्हें मालगुजारी देना पड़ा। बाद में अंग्रेजों के आगमन से भी इनकी व्यवस्था चरमरा गई, पूरी नागवंश शासन व्यवस्था पटना काउंसिल के प्रति जिम्मेदार हो गई। हम देखेंगे इसमें कि जब मुगल शासक के द्वारा अटैक किया गया
तो जब इन पर कर लगाया गया और दुर्जन साल कर नहीं दे सका, जो नागवंशी का एक राजा था जिसने दोईसा नामक जगह को बनाया कैपिटल, उस दुर्जन साल को जहांगीर ने कई वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा, बाद में वो छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कि नागवंशियों ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कैसे कैसे राजधानियों का परिवर्तन करता रहा, जिसके प्रथम राजा थे फणी मुकुट राय। किसके? नागवंशियों के। और नागवंशियों ने अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजधानियों को परिवर्तन करते रहे, जैसे पहला था सुतियांबे में, बाद में हो गया चुटिया, फिर खुखरा, फिर दोईसा, फिर पालकोट, फिर इस तरह उनका राजधानियां परिवर्तित होते रही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया, तो नागवंशियों की शासन व्यवस्था, जो मुंडाओं की शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रही थी, एकदम पूरी तरह चरमरा गई। क्योंकि बाद में यही नागवंशी शासन व्यवस्था पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। तो छात्रगण, आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि नागवंशियों की शासन व्यवस्था मुंडा की तरह ही संचालित होती रही। ओके छात्रगण, तो आप लोग हेडिंग दीजिए, हेडिंग लिखिए नागवंशी शासन व्यवस्था। हेडिंग दीजिए, हेडिंग है नागवंशी शासन व्यवस्था। लिखिए नागवंशी शासन व्यवस्था, और इसका पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ। नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ प्रथम शताब्दी, नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ प्रथम शताब्दी अर्थात 64 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 64 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जिसके प्रथम शासक फणी मुकुट राय थे। फणी मुकुट राय थे जिन्होंने सुतियांबे को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसी में छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था छोटे मोटे परिवर्तन के साथ परंपरागत मुंडा नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था छोटे मोटे परिवर्तन के साथ परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था को बनाए रखा। नेक्स्ट पॉइंट,
मुंडा शासन व्यवस्था की तरह, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह नागवंशी शासन काल, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह नागवंशी शासन काल गांव के प्रभार, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह नागवंशी शासन काल गांव के प्रभार मुंडा लोगों के हाथ में थी, मुंडा लोगों के हाथ में था, गांव के प्रभार मुंडा लोगों के हाथ में था। नेक्स्ट पॉइंट, नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने, नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने, नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने मुंडा शासन व्यवस्था की इकाई पढ़ा, नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने मुंडा के सर्वोच्च शासन व्यवस्था, सर्वोच्च शासन व्यवस्था की इकाई पढ़ा, सर्वोच्च शासन व्यवस्था की इकाई पढ़ा, व्यवस्था समाप्त नहीं किया, समाप्त नहीं किया, बल्कि उसका और विस्तार कर दिया, बल्कि उसका और विस्तार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नागवंशी शासन की सबसे बड़ी इकाई पढ़ा थी, नागवंशी शासन की सबसे बड़ी इकाई पढ़ा थी जिसका प्रधान मानकी कहलाता था, जिसका प्रधान मानकी, देखिए यहां चेंज हुआ, यहां पढ़ा राजा ना बोल के क्या बोल दिया हम लोग, मानकी, जिसका प्रधान मानकी कहलाया, जिसका प्रधान मानकी कहलाता था, जिसका प्रधान मानकी कहलाता था। यद्यपि नागवंशी शासकों ने मानकी के स्थान पर, यद्यपि नागवंशी शासकों ने मानकी के स्थान पर बाद में, यद्यपि नागवंशी शासकों ने मानकी के स्थान पर भूईहर, यद्यपि नागवंशी शासकों ने मानकी के स्थान पर भूईहर, भूईहर शब्द का प्रयोग किया, भूईहर शब्द का प्रयोग किया, और नागवंशी राजाओं ने, और नागवंशी राजाओं ने भूईहरों को, और नागवंशी राजाओं ने भूईहरों को, और नागवंशी राजाओं ने भूईहरों को मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया, अधिकार दिया। उसी में भूईहरी अपने आसपास के गांव इलाकों में, भूईहरी अपने आसपास के इलाकों और गांव में बहुत प्रभाव रखने वाला था, बहुत प्रभाव रखता था।
छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में इसी नाग वंशी शासन व्यवस्था को और आगे देखेंगे कि कैसे मुगल काल और ब्रिटिश काल में इसकी सारी शासन व्यवस्था चरमरा गई और ऐसे में कहां कहां इसकी राजधानियां समय समय पर परिवर्तन होता रहा। हम नेक्स्ट क्लास में इसी नागवंशी शासन व्यवस्था की तहत आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।